ऐसा देश वैसा वेश देख कर ये आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े जानकार और कोर कमेटी के मेंबर, जो कि जिन्हें बेताज बादशाह भी कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का, श्री सुरेंद्र वत्सी जी, जो हमारे यहाँ हरियाणा के जींद से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने न केवल मार्केटिंग के बारे में ही बहुत बड़ी जानकारी दी, बल्कि उनके दादाजी जगदीश चंद्र शर्मा, जो बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी भी कुछ यादें ताजा की। तो आइए, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ है, मैं आपको ये उनके उपदेश भी अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए, एक रोहतक सेमिनार के अंदर वहां पर गुरु रामेश्वर जी के वंडर वर्ल्ड पर, नवनिर्माण वंडर वर्ल्ड जो बेरी रोड रोहतक में है, वहां एक बहुत बड़ा सेमिनार था। उस सेमिनार के अंदर उन्होंने जो कुछ भी अपने मुखारबिंद से उपदेश दिया, आइए लिए चलता हूं रोहतक और सुनाता हूं आपको वो उपदेश। इस देश में सकत रुचाल सिंह की यस और नारे थे नेता थे कुछ नहीं होना यस आर सी मित्र ने सब कम कर सका है तारो सब कम वो करेगा और इसमें योगदान आपका सहायता सबकी चाहिए। हमने सारे लोग हमारी सहायता करेंगे जब बात बनेगी और वो सहायता कैसे करनी है और कैसे सेवा का फल क्या है। इतनी बड़ी सेवा भारत में कोई भी नहीं कर रहा, यहाँ से सच्चाई हकीकत का बेरा हमने कदी पक्का कदी पक्का मतलब इस देश की सबसे बड़ी सेवा डॉक्टर सुरेंद्र वत्स कर रहा है। इस इंडस्ट्री को मान्यता दिलाने में, इस पर नियम बनवाने में, कानून बनवाने में, गाइडलाइन बनवाने में पूरी जिंदगी समर्पित कर दी सबने। सरकार कोई मुकाबला को नहीं इस देश में हकीकत में। मैं सभी की कुछ बात नहीं की, मेरा परिवार में ऐसा नितार सकते हम कति सदा 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 जीवन भर मैं हमेशा इनका आभारी रहूंगा। पूरे आरसीएम परिवार पे एहसान है सर। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। दोबारा मंच संभालने का मौका मिल गया है और साथियों, सौ बातों की एक बात है कि आदरणीय वत्स सर हमारे हरियाणा से है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। और साथ में गुरु माता जी है रोहतक है। तो मैं राजेश जी को इनवाइट करती हूँ कि सर और मैडम
अपने हाथों से ये अपना सर्टिफिकेट ले, जोरदार तालियों के बीच। तालियां बजती रहे, म्यूजिक बजता रहे। मेरे को 12 दिन की ही बेटी थी, तभी मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी।
और मदर इन लॉ की एज ज्यादा नहीं थी, ओनली 47 थे और मेरी भी उस टाइम आप सोच सकते हो कोई एज नहीं थी ज्यादा, लेकिन सभी जिम्मेवारियां थी। तो उस टाइम जब जब जैसे आज आप आसपास के और रोहतक के जितने भी आसपास के एरिया से लोग आए होंगे मोस्टली, और वहाँ हर किसी को अगर आप किसी भी उसमें जा सकते हो मीटिंग में, तो हर इस तरह की इवेंट में जरूर आइएगा। इससे क्या होगा, एक वो माहौल मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, उन सब को फेस करके अगर हम घर में आते हैं और घर में भी सेम नेगेटिविटी मिलती है तो हम सब नेगेटिव हो जाते हैं, फिर उस काम को करने में मजा नहीं आता। मजा लेना है इस काम को करने का तो एक जगह पॉजिटिविटी जरूर बनाकर रखिए, और वो कौन सी जगह हो सकती है, घर। घर से अगर पॉजिटिव होकर निकलते हैं हम तो बाहर भी फिर हम पॉजिटिव होकर निकलते हैं, डबल ऊर्जा के साथ निकलते हैं। तो आप जिस रूप में भी जैसे भी आप सहयोग दे सकते हैं उस तरीके से सहयोग दीजिए, और ये एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस तरह बिजनेस को कर सकते हैं, और अपना ये सबको मालूम पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना इसमें, सिर्फ और सिर्फ हमें चर्चा ही करनी है। प्रचार और प्रसार दो शब्द आप सब ने सुने होंगे, प्रचार का काम पीसी छाबड़ा जी ने हमें कर दिया है और प्रसार का काम हम सब ने करना है, और गांव गांव गली गली रामेश्वर जी ने एक लंबी सी जब ये हार पहनाया तो मुझे आज से 28 साल पहले की घटना याद आ गई, 27 साल एग्जैक्टली, जब हमारी शादी हुई तो खरेटी से है सुदेश मैम, जो इसी फेमस है हरियाणा में, तो शादी में 27-28 साल पहले तो इस प्रकार का कल्चर कोई ज्यादा नहीं था कि भाई माला पहनाते थे, जयमाला के कार्यक्रम रहते थे शुरुआती दिन सब चीजों की। तो साथी में शाम के टाइम पे जब फेरों से पहले मेरा मामा हट गया, बोले भाई जयमाला का प्रोग्राम होगा नहीं, फेरे नहीं होने जाएंगे। अब कहां से माला और काम में कहां से कुर्सियां बड़ी बड़ी, तो बड़ा पंगे वाली बात होगी, और बराती तो वैसे ही काबू में नहीं आंदे। मामा हमारा जीन से हो बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं, फेरे तब होंगे जब जयमाला हो जाएगी। तो जुगाड़ बनाया वहां पे, जो सोफे हमें मिलने थे तो उन सोफा पे एक बेडशीट बिछाई बढ़िया सी, और जो नोटा वाली माला थी तो दो माला एक सुदेश के हाथ में दे दी, एक मेरे हाथ में दे दी, हमने एक दूसरे को गाल दी, लोगों ने ताकी बजा दी, तो वहां उधार थी पूरी होती है। जब यहाँ से रॉयल्टी चीवर्स और टेक्निकल चीवर्स को प्लान रविंद्र जी ने दिखाया, सबको मैं सुन रहा था तो बहुत मजा आ रहा था, और ऐसे लग रहा था कि चलता रहे ये कार्यक्रम। इतनी दिल की बात और इतनी प्योर हरियाणवी, हरियाणा में भी अगर सुनी जा सके तो रोहतक में सुनी जा सकती है, भी नहीं सुनी जाती, पानीपत में कई बार जाऊ वहां भी नहीं टोन आंदी, रोहतक में आ सकते। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो भाषा है, हमारा जो कल्चर है, वो अगर रहे हमारे साथ में रहे तो उससे आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चल सकते हैं। तो ये स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी व्यक्ति जब कामयाब हो जाता है वो ये जरूर चाहता है कि कामयाबी के बाद में वो अपने लोगों के बीच में आए, उसके अपने लोग, अपने शहर के लोग, अपने प्रदेश के लोग, अपने जानकार लोगों के बीच में जब उसको सम्मान मिलता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आरसी में आने के बाद वैसे तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा कि हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं, हर जगह और जितने बड़े बड़े ऑडिटोरियम और स्टेडियम हैं, हर जगह मुझे जाने का मौका मिला, हर जगह सम्मानित होने का मौका मिला। लेकिन जब भी हरियाणा में आता हूं तो खास बात है, और आज तो रोहतक में हूं, तो मैं पर्सनली आप सबका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। ऐसे कुछ
साथी हमारे बीच में हैं जिन्होंने अभी तक आरसीएम को अभी ज्वाइन नहीं किया, देखने के लिए, चेक करने के लिए कि ये सिस्टम है, यहाँ पे आए हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ भी बोलने की थोड़ी सी। अच्छा, बहुत सारे साथी पहली बार हमारे बीच में आए, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सब सब सबका बहुत आभार आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सो आपका यहाँ पे आना दो बात बता रहा है, मिक्सा हो गया थोड़ा सा। तो पहली तो ये कि आप खुले दिमाग के हैं, ओपन माइंडेड हैं, आप यहां पे आके जानना समझना चाहते थे कि भाई आरसीएम क्या है, कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको जब बताया गया कि वो एक मीटिंग चलना है, वो यहां आने से पहले से कुछ समझ गए थे कि वहां पे क्या होने वाला है, लेकिन आपने वैसा नहीं किया, आप यहां पे आए। दूसरा, मेरा बहुत विश्वास है इस चीज में कि इस दुनिया में कुछ भी होता है वो ऊपर वाले की कृपा से होता है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता, हम सब कहते हैं बात। तो आप यहां पे खुद नहीं आए हैं, ऊपर वाले ने आप पे कृपा की है, तभी आप यहां पे पहुंचे सोल में बैठे। अभी चैल साहब आपको बता रहे थे कि नजदीक आड़े भी नहीं आ पाए, किसी पे राव की दिशा चल रही है, किसी पे सनिचर की दिशा चल रही है, किसी पे केतु चढ़ रहा है, तो टाइम उतरेगा जब भी तो आऊंगे, अच्छी चीज जब भी सुन रहा है। तो आपके ऊपर वाले की खूब मेहर है, तो ये मान के चलिए आप इसलिए यहाँ पे पहुंचे हैं। थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं अपना, जो पहली बार साथी आए हैं, किसी को ये भ्रम नहीं हो जाए कि ये तो मंगल ग्रह के आदमी है, चांद पे आए हैं। तो मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, जींद से हूं मैं, और जींद अभी तो थोड़ा ठीक ठाक से हो गया हमारा, नहीं हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। हमारे शहर में मेरे को बड़ा ताजुब होता था, न एक भी फ्लाईओवर था, न एक भी रेड लाइट थी, गामा वर्ग का शहर था हमारा जींद। लेकिन अब तो बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है, तो जींद में भी हमारा जो गांव था बिल्कुल एकदम इंटीरियर में जाके जींद शहर से 40 किलोमीटर दूर, कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। आज भी हमारे गांव में शायद सरकारी बस नहीं जाती होगी। तो ऐसी जगह पे मेरा जन्म हुआ, और मेरे पिताजी हिंदी के अध्यापक थे सरकारी स्कूल में, तो मास्टरों के बच्चे तो उनके साथ में पढ़ते हैं, तो वैसे वाला कार्यक्रम रहा, जहां जहां पिताजी की ड्यूटी रहती थी वहीं वहीं एडमिशन हो जाता था। तो सरकारी स्कूल से मैंने 10वीं करी, और दो भाई और तीन बहने हम लोग परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में जो भी मुश्किलें चैलेंजेस रहते हैं वो सारी की सारी हमारे साथ में रही। अच्छी बात मेरे साथ में एक चीज ये रही कि बचपन में मुझे मेरे दादाजी का बहुत सानिध्य मिला। मेरे दादाजी बड़े अच्छे कवि थे हरियाणा के, बहुत सारी भजन रागनियां उन्होंने खूब लिखी हैं, एक तो सुनाऊंगा भी आप मोबाइल में, मैंने काट दी थी रामेश्वरी और मैं सुनाऊंगा। तो उनका बड़ा सानिध्य मिला, और हरियाणा में बी ए और एम ए में एक लोक साहित्य का पेपर होता है, तो लोक साहित्य के पेपर में आप एमडी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, लोक साहित्य में हरियाणा के कुछ कवियों की कविताएं उनका परिचय होता है। तो उसमें मेरे दादाजी पंडित जगदीश चंद्र वत्स की भी कविताएं और उनकी भी जीवनी पढ़ाई जाती है। और एक आदमी तो बड़ी फेमस है, सुख थोड़े दुख घने जगत में भोग्य भोग सरह रानी, किस किस के दुख दूर करे जा दुनिया दुखी फिर रानी। लेकिन एक उन्होंने बड़ी अच्छी भजन बना रखा है, वो मैं सुनाऊंगा आपको अगर आप सबकी इजाजत होगी तो। और ये जो भजन है ये समाज सुधार का है, और ये दहेज प्रथा के ऊपर में उन्होंने लिखा था कि दहेज प्रथा की वजह से क्या क्या बुराइयां होती हैं, और दहेज प्रथा अगर हम खत्म करेंगे तो हमारे समाज में किस प्रकार की भलाई हो जाएगी। सब गंदी खत्म रिवाज करो, सुखते रहना चाहते हो तो बिना खर्च ब्याह काज करो, दहेज दिखावा थापे मिलनी खर्च बढ़ाना ठीक नहीं, पैसे से जागीर बढ़ाओ जेवर चढ़ाना ठीक नहीं, लड़की देखन इतना लेंडा जुड़ के जाना ठीक नहीं, 500 देके 1000 चावे सट्टा लाना ठीक नहीं, और मोल चुकाना ठीक नहीं, सब टाड़ा सौदे बाज करो, सुख से रहना चाहते हो तो बिना खर्चे डाकाज करो।
दूसरी कली है देखम देखा क्यों लुटते दो छोड़ नाश की राय न कूलर फ्रीज टेलीविजन करें पक्के ब्याह सगाई न 21 थाल परांत स्टील की चाव है फ्रूट मिठाई न गरम सूट हो बीए लड़की दसवीं फैल जमाई न अटको लोग कसाई न ये ब्लैक मेल बंद आज करो सुख से रहना चाहते हो तो बिना खर्च ब्याह काज करो। समाधान भी बताया कि इसका समाधान क्या है। एक रुपए का रिश्ता रख घर त्याग सुनार सुनारी का मतलब तुम टेकनी कुछ चढ़ाने घर की गाटी पांच बराती दुख मेटा मोटर लारी का घी के टीन खांड की बोरी तोड़ खर्च बेकारी का खूब पढ़ा लड़के लड़की को फर्ज ये घर भारी का टोटे की बीमारी का तुम बन के वैद्य इलाज करो और बिना खर्च सुख से रहना चाहते हो तो बिना खर्च में काज करो। अंतिम कली है कि मत कर्जा सिर करो दरों क्यों गिरवी लोटे थाली को धी ध्यानी की जगह बुलाओ मत सड और साड़ी को जुआ ताश नाश की राशि जुआ ताश नाश की बाजी त्यागो श्राप को डाली को घुसने मत जगदीश चंद्र देव कंगाली चंडाली को और पीटे पीढ़ी आने वाली को मत टुकड़े की मोहताज करो बिना सुख से रहना चाहते हो तो बिना खर्च पे आकाश करो। वैसा देश देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।